यूपीएसआई 2021 एकलव्य बैच जो नाम है एक जुनून का, नाम है एक मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति का, जो हमें प्रेरित करता है अपने सपनों को सच करने के लिए एक सकारात्मक लगन, एक मजबूत इच्छा शक्ति। आज उसी प्रेरणा के साथ मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से टारगेट विथ आलोक इंस्टीट्यूट के इस एकलव्य बैच में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैथ्स का आज एक दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर नंबर सिस्टम के पार्ट वन भाग एक में आपने संख्याओं के वर्गीकरण, संख्याओं के प्रारूप को समझने की कोशिश की थी। मैंने भी अपने स्तर पर उसको समझाने का प्रयास किया था। आज के इस लेक्चर में मुझे क्या पढ़ाना है, हम आगे के कंटेंट कैसे रखेंगे, क्या रणनीति होगी टॉपिक को पढ़ने की, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और एक मजबूत और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो एक प्रक्रिया होती है संस्थान को रिप्रेजेंट करने की, चीज़ों को समझाने की, तमाम आपके उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने की जो आप लोग जिसको लेकर के आप भ्रमित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो सबसे पहले मैं फिर से आप सभी को यह सलाह दूंगा कि संस्थान का मुफ्त टेलीग्राम ग्रुप जो आप सभी को के लिए है, जो आप सभी के हित में है, आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, संस्थान की सभी गतिविधियों से जुड़ सकते हैं और खुद भी एक पार्ट होंगे आप संस्थान के और इस चीज़ का आप अनुभव करेंगे। तमाम सारे ऐसे कंटेंट, पीडीएफ्स और बहुत सारी सूचनाएं बैच से संबंधित, कोर्स से संबंधित आपको वहां पर मिलती रहेगी। इसके अलावा भी पेड ग्रुप में जुड़ने की आपके पास अभी भी समय है। आप पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए जो हमारा एक ऑथेंटिक सिस्टम है उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, जिसके लिए हम लोग एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर आप अपने मोबाइल पर अपने कॉन्टैक्ट में सेव करिए और इस पर आप एंट्री फॉर यूपीएसआई 2021 लिखकर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपसे संपर्क करेंगे। नंबर एक बार नोट करिएगा, 7398035775। यह नंबर है जुड़ने का और तमाम सारी समस्याओं के निराकरण के लिए। कुछ और ऑथेंटिक नंबर हम लोग संस्थान के प्रति आपका, संस्थान का आपको हम प्रोवाइड करते हैं, जो किसी भी डिटेल, जो भी कोर्स से संबंधित हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में आ रही अड़चनों से हो सकता है, आप इन तमाम दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, जो कि एक सीरीज में आपको नंबर दिए जाते हैं 9076605751, देन आफ्टर 23456 एक और IBR नंबर आपके पास है जिस पर आप संपर्क करके अपनी सभी कन्फ्यूजन्स को, अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये एक जानकारी थी जो हमारी एक जिम्मेदारी है, जो आपके प्रति हमारी जवाबदेही है, जिसके लिए हम लोग तटस्थ हैं। अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं आज के इस पाठ्यक्रम की। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसकी जानकारी लेते हैं। मैं आपको आज के इस लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा सम तथा विषम संख्याओं के बारे में, इवन एंड ऑड नंबर्स के बारे में, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में, अबाउट प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्याओं के बारे में। लेकिन इतना सब कुछ बताने के पहले मैं आपको पिछले लेक्चर से रिलेट कराने की कोशिश करूंगा। अगर आपको पिछला लेक्चर याद होगा या आपने नहीं भी देखा होगा तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहला पार्ट नंबर सिस्टम का, संख्या प्रणाली का जरूर देखें। वहां पर भी आपको बहुत ही बेहतरीन और प्रॉपर नॉलेज मिलेगी, संख्याओं को समझने की आपके अंदर एक अप्रोच डेवलप होगा, एक आपके अंदर मोटिव उसका एक क्लियर होगा, संख्याओं का प्रारूप आपको समझ में आएगा। मैंने उसी दिन बताया था और संख्याओं को समझाने की कोशिश की थी कि हम जिस प्रणाली का उपयोग करते हैं उस प्रणाली का नाम डेसिमल नंबर सिस्टम है, दशमलविक संख्या प्रणाली है। उस प्रणाली के अंतर्गत कुल मिला के 10 सिंबल, 10 प्रतीकों का उपयोग किया जाता है और अगर हम उन सभी संख्याओं का जिसका उपयोग हम लोग अपनी गणितीय सिस्टम में, मैथमेटिकल सिस्टम में यूज करते हैं, अगर हम उनको वर्गीकृत अर्थात क्लासिफाइड करें, उनके संपूर्ण क्लासिफिकेशन को एक प्रॉपर हम सीरीज वाइज या स्ट्रक्चर्ड वाइज समझने की कोशिश करें, तो मैंने आपको बताया कि सभी संख्याओं को आप कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, सम्मिश्र संख्या कह सकते हैं। उन सम्मिश्र संख्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक आपके पास रियल नंबर, दूसरी आपके पास इमेजिनरी अर्थात काल्पनिक नंबर या आभासी संख्या होती है। वास्तविक संख्या की बात किया जाए तो वह सभी संख्याएं जो हमारे यूज की होती हैं, जिनका हम प्रॉपर कैलकुलेशन पर्पज हम लोग यूज कर सकते हैं, वो सभी संख्याएं आपकी वास्तविक होती हैं। हालांकि मैंने पिछले लेक्चर में सारा डिटेल यहाँ पर दे दिया था, एक जनरल डिवीजन हम लोग यहाँ पर कर ले रहे हैं, पिछली क्लास से खुद को रिलेट कर ले रहे हैं। वास्तविक संख्याओं को हम कैपिटल R से प्रेजेंट करते हैं, संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं प्रेजेंट होती हैं सब वास्तविक होती हैं। दो भागों में बांटा जाता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिनको हम भिन्न में लिख सकें, जहां पर हर का मान शून्य ना हो वह परिमेय है। जिन संख्याओं को ना तो हम विभाजित कर सकें ना ही वह आवर्ती हों वह अपरिमेय है। बात करते हैं हम लोग परिमेय की, इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं, भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या में। भिन्न संख्या जो दो पूर्णांक संख्याओं के बीच के कोई भी नंबर हों, किसी भी हर भिन्न के हर में अगर एक के अतिरिक्त कोई मान हो तो अभिन्न संख्या है, अन्यथा वो सभी संख्याएं आपकी पूर्णांक हैं। जिन संख्याओं में दशमलव के बाद शून्य हो या भिन्न के हर में एक हो वो सब पूर्णांक है, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे वो खुद शून्य ही क्यों ना हो।
अगर इनका फिर से क्लासिफिकेशन अर्थात बंटवारा किया जाए तो पूर्ण संख्या जो जीरो से प्रारंभ होकर सभी संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या जो एक से प्रारंभ होकर के सभी संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं, जो संख्याएं खुद से कटती और एक से कटती हैं, इसके अतिरिक्त किसी से नहीं कटती हैं, अर्थात जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं वह आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, जिनके कम से कम तीन गुणनखंड हों मतलब वह एक और दो के अतिरिक्त एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं, वो सब की सब आपकी भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। जिन संख्याओं के अंत में शून्य दो चार छः या आठ आता है वो सभी सम संख्याएं होती हैं, जिनके अंत में एक तीन पाँच सात नौ आता है वह सभी विषम संख्याएं होती हैं। यह जानकारी मैंने आपको पिछले लेक्चर के माध्यम से दिया था। मैंने अभाज्य संख्याओं के इन तीन स्ट्रक्चर की और बात की थी जो पेयर के आधार पर डिक्लेयर किए जाते हैं, जैसे रिलेटिव प्राइम सापेक्षित अभाज्य क्या है, को प्राइम सह अभाज्य क्या है और ट्विन प्राइम जुड़वा अभाज्य क्या है। इन बातों को मैंने आपके पिछले लेक्चर में आपको समझाने के लिए मैंने इनको कहा था, तो आज के लेक्चर में मैं इन सबको भी कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक जानकारी इससे संबंधित और दे दूं, वो आप ध्यान में समझिएगा। मैंने उसी दिन भी आपको समझाया था, अगर कोई ऊपर से नीचे के संबंध की बात करे, जैसे कहे कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय हैं, तो आप एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं हैं परिमेय अपरिमेय दोनों होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक हैं ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि सभी परिमेय वास्तविक के पार्ट हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय हैं, यस, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण हैं, यस, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक हैं नहीं। इस तरह से जो नीचे वाले होते हैं ऊपर वाले को पूरी तरह से फॉलोअप करते हैं, लेकिन ऊपर वाले नीचे को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं। ये बात मैंने आपको डिटेल करी थी। इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनकर आते हैं। जैसे आपसे अगर मान लीजिए पूछा गया कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, यस, लेकिन क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं, नहीं। ये सब चीजों को हम लोग को समझ करके इनका पूरा कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से अपने डिटेल अपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रख करके चलना होगा। आज के इस लेक्चर में जैसा मैंने अभी इंडिकेट किया कि हम पहली चीज तो सम विषम संख्या के बारे में जानकारी लेंगे, फिर हम अभाज्य की, फिर हम पूर्ण वर्ग संख्या की बात करेंगे, फिर अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को आज अपनी कॉपी में हेडिंग लगाना है अबाउट इवन एंड ऑड नंबर, सम तथा विषम संख्या के बारे में। चलिए समझते हैं सम विषम को, हम समझने की कोशिश करते हैं। जब मैंने आपको इंटीजर एक्सप्लेन किया आपके सामने, तो मैंने कहा पूर्णांक को हम पहली चीज तो तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आपने देखा कि सबसे पहले जीरो हमने यहाँ पर डिवाइड किया जो बीच में था, इधर गए तो पॉजिटिव हुआ, इधर गए तो नेगेटिव हुआ। ये बात आपने ध्यान से समझी। अब अगर बात हम लोग यहाँ पर करें सम और विषम की, तो सम को ना तो केवल हम धनात्मक में लिख सकते हैं ना ऋणात्मक ले सकते हैं, इसलिए सम और विषम को इंटीजर अर्थात पूर्णांक की एक अन्य कैटेगरी के रूप में, अन्य एक वर्गीकरण के रूप में माना जाता है। क्योंकि जो सम और विषम संख्याएं हैं, जो इवन एंड ऑड नंबर हैं, ये आपकी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। तो पहली जानकारी आपकी कॉपी में होनी चाहिए कि सम तथा विषम संख्याएं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगी। मतलब अगर आप प्लस टू की बात करेंगे और माइनस टू की बात करेंगे तो दोनों सम संख्या है। दूसरी जानकारी आपके पास आपकी कॉपी में होनी चाहिए कि जीरो भी एक सम संख्या है, जीरो भी एक सम संख्या है। इसको लेकर तमाम कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में होते हैं, क्या जीरो सम संख्या है, कैसे हम इस चीज को जस्टिफाई करें कि जीरो एक सम संख्या है। जब मैंने आपको डिफिनीशन दी सम संख्या की, तो मैंने कहा किसी संख्या के अंत में यदि शून्य दो चार छः आठ आए तो वह संख्या एक सम संख्या है। अब बात अगर जीरो की करें तो जीरो प्रत्येक से विभाजित हो जाती है, दो से भी विभाजित होती है, और जो संख्या दो से विभाजित होती है वह संख्या आपकी सम संख्या कहलाएगी। तो जीरो को भी एक सम संख्या मेजर किया जाता है, माना जाता है। इसके अलावा भी कुछ और जानकारियों की अगर बात करें, जबकि हम विषम संख्याओं के लिए साफ साफ कह चुके हैं कि जिन संख्याओं के अंत में एक दिखे, तीन दिखे, पांच दिखे, सात दिखे, नौ दिखे, वह संख्याएं आपकी विषम संख्या है। थोड़ी सी जानकारी और समझिएगा, अगर हम दो सम संख्याएं ले लें, दो सम संख्याएं ले लें, उनका जोड़ करें तो हमेशा एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। अर्थात हमेशा दो सम संख्याओं, दो इवन नंबर्स का जो एडिशन होगा, जोड़ होगा, वह सम संख्या ही होगा। अगर एक दो विषम संख्याएं हम ले लें, दो विषम संख्याएं ले लें, तो उनका भी जोड़ एक सम संख्या ही होगी। दो विषम संख्याओं का सम अर्थात योग भी एक सम संख्या ही होगी। परंतु अगर एक सम संख्या है दूसरी विषम संख्या है, तो उनका एडिशन अर्थात जोड़ हमेशा एक विषम संख्या आएगी। आप जनरल ऐसे समझिएगा, मैं इसको ऐसे डिक्टेट कर दूं, समझा दूं कि जिन दो संख्याओं की प्रकृति नेचर समान है,
चाहे दोनों वो सम थे चाहे दोनों वो विषम थे, उनका जोड़ सम ही आया। जिनके नेचर समान थे दोनों के, अगर उनको हमने जोड़ने की कोशिश करी तो दोनों हमेशा सम संख्या प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर नेचर वाइज दोनों अब डिफरेंट हो गए तो उनका रिजल्ट भी एक हमें विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर ही नजर आया। इसको आपको डिटेल करना पड़ेगा, समझना होगा। इसमें कुछ ऐसे समझने की कोशिश करिए, अगर कोई भी दो सम संख्या लीजिए, चार लीजिए आठ के साथ जोड़िए, आठ लीजिए दस के साथ जोड़िए, कोई भी दो सम संख्याओं को जोड़िए तो सम संख्या मिली। कोई भी दो विषम ले लीजिए, पांच को लिया सात के साथ जोड़ा, सात को लिया हमने नौ के साथ जोड़ा, आप किसी भी दो विषम को जोड़ेंगे तो आपको भी सम संख्या तब भी मिलेगी, लेकिन एक विषम जैसे पांच, जैसे एक सम जैसे चार जोड़ा मैंने तो हमेशा हमको एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। अब जो जीरो की बात मैं कर रहा, तो उसको भी आप यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जीरो को आप किसी सम संख्या के साथ जोड़िए, जीरो को चार के साथ, छह के साथ, दस के साथ जोड़िए तो आपको एक सम संख्या ही मिलेगी। जीरो को एक विषम संख्या के साथ आप जोड़िए, तीन के साथ, पांच के साथ, नौ के साथ, तो आपको हमेशा एक विषम संख्या ही मिलेगी। इसका अर्थ है कि जीरो सम की पूरी कंडीशन को, सम के पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। हम जीरो को सम संख्या इसीलिए भी कहते हैं। तो इसको दिमाग में रखिएगा, इस सम तथा विषम संख्याओं की कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको मैंने प्रोवाइड की। अब मैं आगे बढ़ता हूं और डिस्कस करता हूं अबाउट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हिंदी में हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जनरल अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं कि ऐसी संख्याएं, जैसे हमने यन लिया, मैं इसका अगर वर्ग कर दूं, वर्ग अर्थ होता है कि वह संख्या खुद में ही गुणा की जाए, तो जनरली यह यन का स्क्वायर बन जाएगी और इस यन के स्क्वायर को आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे, मतलब इसको हिंदी में हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। जब आप किसी संख्या को उसी संख्या में जोड़ देते हैं तो वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, सॉरी गुणा कर देते हैं, जोड़ नहीं देते हैं, तो वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। जैसे हम बात अगर करें तो जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है, तीन का स्क्वायर नौ होता है, चार का स्क्वायर सोलह होता है, पांच का स्क्वायर पच्चीस होता है, छह का स्क्वायर छत्तीस होता है, सात का स्क्वायर उनचास होता है, आठ का स्क्वायर चौंसठ होता है और नौ का स्क्वायर इक्यासी होता है। हम इतना ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर हम पूर्ण वर्ग को पहचान करने की कोशिश करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर को पहचान करने की कोशिश करेंगे, तो हम उनके एंड प्लेस में ही बहुत सारी डिटेल यहाँ पर समझ पाएंगे। अंत जो पद रहेगा, अंत मतलब इकाई का प्लेस रहेगा, उसी को समझने की कोशिश करेंगे। और आपको जैसे जानकारी है कि सभी संख्याएं जीरो से लेकर नाइन तक के ही डिजिट से बनी होती हैं, अर्थात अगर हम जीरो से नाइन तक को प्रॉपर समझ लें, जो एक के अंत में आएगा वही ग्यारह, इक्कीस, इकसठ के अंत में भी आएगा, जो क्योंकि एक का स्क्वायर एक होता है। जैसे दो के लिए अगर सोचा जाए जो बाईस के अंत में, बत्तीस के अंत में, इसलिए हम इतना समझ जाते हैं कि अगर हम जीरो से नाइन तक का स्क्वायर डिटेल कर लें तो बाकियों को भी समझने में हमें उतनी कंफ्यूजन, उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बात को आप समझिए। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा सब लोग प्रॉपर सारे फैक्ट्स को, सारी स्थिति को, कि अगर हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं, पहली चीज इतना तो समझ रहे हैं कि सब संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, जीरो है, एक है, चार है, नौ है, सोलह है, पच्चीस है, छत्तीस है, उनचास है, ये सब संख्याएं आपकी पूर्ण वर्ग हैं। बट हमें कैसे पता चले कि कोई संख्या दी गई है कि वह पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? इसको पहचान करने का थोड़ा सा नियम आपको जानने की जरूरत होती है। तो मेन काम हमारा यहां पर है कि पूर्ण वर्ग को आइडेंटिफाई अर्थात पहचान करने का हमें नियम समझना है। टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर नॉट, इतना आप लोगों को समझने की आज जरूरत है। आप जानते हैं यन का स्क्वायर किया, यन स्क्वायर बना, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, इतना हम लोग समझ कर चल रहे हैं। अब हम टू आइडेंटिफाई मतलब हम पहचान करने की बात कर रहे हैं, पहचान के नियम कि हम कैसे किसी संख्या को इस बात के लिए श्योर करें कि वह संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। अब पहली चीज, मैंने जब संख्याओं के वर्ग को नोटिस किया, जो जीरो से लेकर नौ तक का था, जिसमें मैंने कहा कि सभी संख्याओं को इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट मानकर चलिए, तो आपने अनुभव किया कि किसी संख्या जो कि ये पूर्ण वर्ग थी, अगर मैंने इनके एंड प्लेसेस की बात की तो आपको जीरो दिखा, एक दिखा, चार दिखा, पांच दिखा, छह दिखा और नौ दिखा। आप देखिए, जीरो दिख रहा, एक दिख रहा, चार दिख रहा, पांच दिख रहा, छह दिख रहा और नौ दिख रहा है, दिख रहा है। अगर इतना दिख रहा है तो आपको क्या क्या नहीं दिख रहा है? दो नहीं दिख रहा, तीन नहीं दिख रहा, सात नहीं दिख रहा, आठ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब एक जानकारी पहली हो गई कि जिन संख्याओं के अंत में दो, तीन, सात, आठ होगा, वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी।
नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कभी भी वह संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, जिनके अंत में आप 2, 3, 7 या 8 देखेंगे वह संख्या पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती, इस बात को समझिएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम जब भी पूर्ण वर्ग को पहचान करने की कोशिश करते हैं तो कभी भी कोई सटीक शब्द हमको हां में नहीं दी जाती है। जैसे आपको जब मैं कोई जानकारी दूंगा पूर्ण वर्ग को पहचान करने के लिए, तो जो नहीं वाला होगा उसको पूरे कॉन्फिडेंस से आपको बताऊंगा कि हां ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं हां वाली जानकारी कैसे दूंगा आपको, मैं बताऊं कि ऐसे कहूंगा कि जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी उनके अंत में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो सकता है। होता है नहीं बोल रहा हूं मैं, हो सकता है। मतलब अंत में अगर एक है तो जरूरी थोड़ी है कि सब पूर्ण वर्ग हो जाए, अंत में 5 है तो जरूरी थोड़ी है पूर्ण वर्ग सब हो जाए। मैंने लेकिन नहीं वाला फुल कॉन्फिडेंस से कहा कि जिनके अंत में 2, 3, 7 या 8 होगा वह संख्या पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी। यह जानकारी आपको पहली जानकारी थी। दूसरी जानकारी की बात किया जाए, अगर संख्या के अंत में, मैं ऐसे जनरल बात कर रहा हूं, यदि पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, अंत में शून्य है, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य है, तो शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या सदैव समबार होगी, समबार होगी। इस लाइन को समझिएगा आप लोग। मैंने कहा यदि संख्या पूर्ण वर्ग है और उसके अंत में शून्य है तो शून्यों की संख्या सदैव समबार होगी। समबार का मतलब, कभी अगर आप बात करोगे तो एक के बाद, जैसे हम 10 लिखें एक के बाद एक 0, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लेकिन 100 हो सकता है, 1000 नहीं होगा लेकिन 10,000 हो सकता है। तो कभी भी अगर संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो उसके अंत में और शून्य भी है तो शून्यों की संख्या हमेशा समबार होगी। जैसे 400 है पूर्ण वर्ग, 40 नहीं है, 1600 है, 160 नहीं है। तो आप ऐसे दिमाग लगाइएगा कि अगर शून्य होगा तो शून्यों की संख्या 2 बार होगी, 4 बार होगी, 6 बार होगी, 8 बार होगी, 10 बार होगी, लेकिन कभी भी 1, 3, 5, 7, 9 बार नहीं होगी। शून्यों की संख्या हमेशा समबार होगी, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तीसरी जानकारी लीजिए, यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 5 आए, अगर पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 5 आए तो दहाई के अंक पर, दहाई के अंक पर सदैव 2 आएगा, 2 होगा। अगर मान लीजिए किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 5 है तो दहाई के स्थान पर हमेशा और हमेशा 2 आएगा। जैसे आप देखिए 225, 15 का वर्ग है, 625, 25 का वर्ग है, 1225, आप 35 का वर्ग दे हैं। तो कहने का सेंस है कि जब भी कोई संख्या के अंत में 5 होगा पूर्ण वर्ग के केस में तो उसके दहाई के स्थान पर हमेशा और हमेशा 2 रहेगा। आप ऐसे कभी 3 देख लें, कभी 2 देख, कभी 1 देख लें, कभी 4 देख लें, तुरंत सिरे से इग्नोर कर दें कि यह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। लेकिन अगर वह अंत में 25 कंटेन कर रहा है, इसका मतलब अंत में 5 है और उसके पहले 2 है, तो आप कुछ हद तक अपने आप को यह मानकर चलिए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। होती है नहीं, मैं बोल रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा, हो सकती है। अगर उसके अंत में 5 है तो उसके दहाई के स्थान पर डेड श्योर 100% 2 ही आएगा, 2 के अतिरिक्त कुछ नहीं आएगा। इसके आगे मैं बढ़ता हूं, ध्यान से समझिएगा। इस पहचान की और स्थिति को हम लोग यहां पर डिटेल करने की कोशिश करेंगे। अगला शब्द देखिएगा अपनी कॉपी में, लिखिएगा भी कि अगर मैं कहूं यदि, यदि पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, के अंत में 6 आए, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 6 आए तो दहाई के अंक पर, दहाई के अंक पर सदैव विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी। आप समझिए हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा अगर पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 6 है तो दहाई के अंक पर सदैव क्या रहेगा, एक विषम संख्या रहेगी। कैसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपने 16 देखा, 256 देखा, 196 देखा, आप इस तरह 576 देखा, कभी भी आप ऐसी कोई संख्या ढूंढ कर बताइए कि उसके अंत में 6 है और उसके दहाई के स्थान पर कोई सम संख्या है और वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर एंड में 6 है अंत में 6 है तो दहाई के स्थान पर 100% एक विषम संख्या होगी। 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 9 मिलेगा, कभी भी आपको 2, 4, 6, 8 नहीं मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा।
तो दहाई के स्थान पर हमेशा विषम संख्या होगी तब जब उस संख्या के अंत में 6 है और उसको हम पूर्ण वर्ग के लिए पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं या पूर्ण वर्ग अगर है तो इस नियम को जरूर वह फॉलो करेगा। एक और नियम देखिए पूर्ण वर्ग केस के लिए, मैं बताने की कोशिश करूंगा फिर से आपको। यदि संख्या एक सम संख्या, यदि पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या एक सम संख्या है, सम संख्या है। अब बताइए सम संख्या मतलब अंत में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। ना तो 2 को ले सकते हैं ना तो 8 को ले सकते हैं। तो 3 ऑप्शन है मेरे पास, 0 है, 4 है और 6 है। बताइए जिसके अंत में 0 होगा, 4 होगा, 6 होगा, वही वाले सम संख्या पूर्ण वर्ग हो सकते हैं। पता चला कि आपके अंत में 2 है और आप कह रहे हो तो सम संख्या है पूर्ण वर्ग, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। 8 है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो 2 के लिए नहीं है, 8 के लिए नहीं है, लेकिन 0, 4, 6 के लिए सम संख्या की स्थिति में पूर्ण वर्ग होने के चांसेस हैं। उनके अलावा मैंने लिखा कि यदि पूर्ण वर्ग संख्या एक सम संख्या है तो वह संख्या 4 से अवश्य विभाज्य होगी, 4 से अवश्य विभाज्य होगी। वह जो संख्या रहेगी अगर वह पूर्ण वर्ग होगी तो 100% 4 से कटेगी, चाहे जिस संख्या की बात कीजिए। अगर वह एक सम संख्या और पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके अंत में अगर आप देख रहे हैं एक सम संख्या की कैटेगरी जिसमें 0, 4, 6 को लेकर चल सकता है, वह संख्या 4 से जरूर कटेगी। और 4 से कटने के लिए आपको संख्या को पहचान करने के लिए 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, उसके अंतिम 2 अंक, क्योंकि 4 की भाज्यता होती है, जिस किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अर्थात दहाई और इकाई से मिलकर जो संख्या बनी है अगर वह 4 से कटता है तो पूरी संख्या भी 4 से कटती है। जैसे मान लीजिए मुझे दिया है 256। अब देखिए एक सम संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन आप 56 को देखिए 4 से कट रहा है। जैसे आप यहां पर देखिए, और भी मैं कोई संख्या ले लेता हूं, मान लीजिए 196 है। अब आप देखिए 96 4 से कट जाएगा, 576 है सम संख्या है, यह भी 4 से कट जाएगा। तो कोई भी संख्या अगर सम संख्या होगी पूर्ण वर्ग होने के साथ साथ तो उसका अंतिम का 2 अंक 4 से जरूर कटेगा, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि पूरी संख्या ही 4 से जरूर कटेगी। तो ये 4-5 बातें मैंने आपको बताई कि पूर्ण वर्ग को कैसे पहचान कर पाए। पूर्ण वर्ग के लिए आपने ये जाना कि वह संख्या स्वयं की वर्ग होती है, स्वयं का खुद से गुणा होती है। उसको पहचान करने के लिए मैंने 4-5 बातें बताई कि उसके अंत में कभी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। उसके अंत में यदि 0 होगा तो 0 की संख्या सम बार होगी। उसके अंत में यदि 5 होगा तो 5 के पहले 2 होगा। उसके अंत में यदि 6 होगा तो 6 के पहले विषम संख्या होगी। अगर वह सम संख्या है तो जाहिर सी बात 0 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा अंत में। लेकिन ये भी हमको ध्यान में रखना है कि वह संख्या हमेशा 4 से कटेगी, अर्थात उसके अंतिम के 2 अंक मतलब इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या हमेशा 4 से विभाज्य होगी। इतनी जानकारी हमको पूर्ण वर्ग संख्या से संबंधित आपको देनी थी, मैंने आपको प्रोवाइड की। अब मैं आगे बढ़ता हूं और डिस्कस करता हूं अबाउट द प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करता हूं। मैंने आपको अभाज्य संख्या की डिटेल दी, मैंने कहा कि वह संख्या कोई भी संख्या जो स्वयं से और एक से, मतलब उस संख्या का नाम अगर n है तो वह एक से और n से विभाज्य होगी, इसके अतिरिक्त वह संख्या दुनिया में किसी भी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो सकती, केवल इसके 2 गुणनखंड ही संभव होते हैं। देयर आर द ओनली 2 फैक्टर इज पॉसिबल इन दिस नंबर, केवल 2 ही गुणनखंड संभव होंगे, 2 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना तो 1 ही होगा ना तो 3, 4 कोई होगा। अब इनके बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको देता हूं, ध्यान से नोट करिएगा, समझिएगा। पहली जानकारी, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। कभी कभी लोगों को इस बात का कंफ्यूजन रहता है एक को लेकर के, क्योंकि कुछ लोग को यह लगता है कि जब अभाज्य की डेफिनेशन किताबों में जो दी गई है उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो संख्या स्वयं से और एक से कटे वह अभाज्य है, तो आपको एहसास होता है एक भी तो स्वयं से और एक से कट रहा है तो अभाज्य क्यों नहीं। जब मैंने यहां पर इस बात को सुना तो मैंने आपसे कहा नहीं, केवल जिसके 2 गुणनखंड हो, एक के तो केवल एक ही गुणनखंड बनेगा इसलिए वह अभाज्य नहीं है। तो एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, इसको ना तो भाज्य की कैटेगरी में रख सकते हैं ना ही अभाज्य की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो पहली जानकारी आपको मुझे ये देनी थी। दूसरी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ध्यान में रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है।
आता है कभी कभी जनरल एग्जाम्स में कि व्हिच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप बताएंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। और दो को अगर हमने समझा तो इसके बारे में अगला कंक्लूजन मैं आपको ये दूंगा कि दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है, ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या भी है, सम संख्या भी है। दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या भी है। और सोचिए सम की डिफिनीशन और अभाज्य की डिफिनीशन, दिमाग लगाइए। सम की डिफिनीशन में साफ साफ कहता है कि दो से जो संख्याएं पूर्णतः कटे, अभाज्य में कहता है जो स्वयं तथा और एक के अलावा किसी से ना कटे। एक में कटने की बात करता है, एक में नहीं कटने की बात करता है। तो बोथ द नंबर्स अगर ऐसे सोचा जाए तो एकदम से कंट्राडिक्टिव है, दोनों में बहुत बड़ा विरोधाभास है। लेकिन सोचिए अभाज्य संख्याओं की शुरुआत एक सम संख्या से होती है, पहली संख्या सम संख्या है जो कि अभाज्य की शुरुआत करती है। मैंने यहां पर बताया कि दो ही एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या भी है, या हम कह सकते हैं कि दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या भी है। दो के अतिरिक्त कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकती। याद रखिए दो के अतिरिक्त कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि बाकी सभी संख्याएं तो दो से या किसी से दो से तो कट ही जाती हैं, अपने अलावा दो से कटेंगी, इसलिए कोई और सम संख्या अभाज्य नहीं होगी। अगली लाइन देखिएगा, दो के अलावा या दो के अतिरिक्त, आप ऐसे समझिएगा दो के अतिरिक्त या मैं कह सकता हूं दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या भी होती हैं। दो के अतिरिक्त या दो को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब की सब विषम संख्या होंगी। आप किसी की भी बात करिए, 3 की, 5 की, 7 की, 11 की, 13 की, 17 की, 19 की, सारी अभाज्य अगर दो को छोड़ दें तो विषम संख्या होती हैं। परंतु एक शब्द और यहां पर एक लाइन बनेगी, परंतु सभी विषम अभाज्य नहीं होंगे, या सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होंगी। सभी विषम की बात किया जाए तो कभी अभाज्य नहीं होती है। जैसे एक पहली संख्या को लीजिए, विषम है वो, ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। 9 3 से भी कटता है, 1 से कटता है, 9 से कटता है, तो अभाज्य संख्या है विषम होने के साथ साथ। 15 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है, खुद से तो कटता ही है, भाज्य संख्या है विषम होने के साथ साथ। 21 भाज्य संख्या है विषम होने के साथ साथ। तो लाइन दिमाग में रखिएगा, दो को छोड़ दिया जाए तो सभी अभाज्य संख्याएं तो विषम होंगी, परंतु सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होंगी। ये जानकारी आपको अभाज्य से रिलेट करती हुई थी, जो कि एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको संबंधित टॉपिक से प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जब मैंने आपको अभाज्य संख्या प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था, मैंने कहा था कि प्राइम नंबर, जिसको आप कह रहे हैं हिंदी में अभाज्य संख्या, इन अभाज्य संख्याओं से संबंधित पेयर के आधार पर इनका जो क्लासिफिकेशन, इनका जो वर्गीकरण किया जाता है, उसमें हम तीन प्रकार से संख्याओं को वर्गीकृत कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं तीन पार्ट्स में चीजों को यहां पर एक्सप्लेन आपको करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला रिलेटिव प्राइम, ध्यान से देखिएगा, इनको समझिएगा और इनसे अपनी कंफ्यूजन दूर करिएगा। इसको हिंदी में सापेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं, सापेक्षित अभाज्य संख्या। हम बात यहां पर इन क्लासिफिकेशंस को हमने सीधा सीधा एक पेयर पर बेस्ड कर दिया, मतलब मैं दो संख्याओं को लूंगा, वो दो संख्याएं कभी रिलेटिव होंगी, कभी को प्राइम होंगी। को प्राइम का अर्थ होता है सह अभाज्य होंगी, कभी वो क्या होंगी, सह अभाज्य होंगी, कभी वे सह अभाज्य के साथ साथ ट्विन प्राइम भी होंगी। ट्विन प्राइम अर्थात जुड़वा अभाज्य होंगी। मैं सबको प्रत्येक को डिटेल कर रहा हूं, मैं अभी एकदम प्रॉपर इसको टेबल के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको गंभीरता से सभी शब्दों को, सभी डेफिनेशंस को अच्छे से समझना होगा। यह एक ऐसा जोड़ा है, पेयर है, मतलब संख्याओं का जोड़ा है, संख्याओं का पेयर है, जो रिलेटिवली प्राइम है, जो खुद से एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य है। यहां पर संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर अगर हम एक पेयर में दो संख्याएं लेंगे ए और बी, तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य होंगी। और हम इस सापेक्षता, अभाज्य की सापेक्षता को समझने के लिए
हम इस बात को समझें कि अगर मान लीजिए जैसे मैंने कोई एक फ्रैक्शन लिखा 15/20, ध्यान से सुनिएगा सब लोगों को तो पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल होगा, समझ में आएगा। 15/20 एक ऐसी भिन्न संख्या है, या आप लिख सकते हैं, जो कि अभी सरलतम रूप में लिखा जा सकता है, सरलतम रूप में है नहीं, क्योंकि एक गुणनखंड है, एक कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड है, संख्या है जो दोनों को काट सकेगी। 5 × 3 = 15 होगा, 5 × 4 = 20 होगा। 3/4 जब होगा तो फर्दर कोई नंबर इसको अब क्लास सिंप्लीफाई नहीं कर सकता है। आपके पास मान लीजिए 25/40 है तो भी आप 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। आपको मैंने अगर 5/7 दिया तो यह अपने सरलतम रूप में है, इनके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड यहां पर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। जरूरी नहीं कि अभी दोनों कटने वाले, जैसे यहां पर तो ना कटने वाली बात है। मान लीजिए मैंने 21/40 लिख दिया, सोचिए 21 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 40 8 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, लेकिन ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं है, उभयनिष्ठ संख्या नहीं जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो मैं जब आपको रिलेटिव प्राइम बताऊंगा तो यही मैं आपको डेफिनेशन दूंगा कि ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर, ध्यान में रखिएगा कॉमन फैक्टर हमेशा एक हो। एक हो मतलब कोई ऐसा एक कॉमन नंबर ना हो जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो वह दोनों संख्याएं आपकी रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगी, मतलब सापेक्षित अभाज्य कहलाएंगी। जैसे आप जो लिखे हैं, अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक शब्द यहां पर कंफ्यूजन में आता है अभाज्य को लेकर, मैं बात करूंगा अगर 5-7 की, 3-11 की, इनको देखकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि इनके बीच ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई है नहीं जो इनको दोनों को डिवाइड कर सके, साथ साथ दोनों अभाज्य भी हैं। बट अगर मैं 1 और 5 को लिख दूं और मैं इनको सीधा सीधा मैं बोलूंगा कि भैया रिलेटिव प्राइम है, दोनों एक दूसरे के सापेक्षित अभाज्य हैं, क्योंकि इनको भी एक ही इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो इनको दोनों को डिवाइड कर सकता है, एक के अतिरिक्त और कोई नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके, इनको दोनों को डिवाइड कर सके। तो जैसे मैंने कहा है कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही हो, इसके अलावा कुछ ना हो। 3-4 देखिए लिखा हुआ है तो 3-4 में आप सोचिए 4 तो अभाज्य संख्या है, 3 भले अभाज्य संख्या है, 1 और 5 में एक अभाज्य संख्या थोड़ी थी, लेकिन हम उसको रिलेटिवली प्राइम ले रहे हैं। 7 और 8 को लिया मैंने, सोचिए क्या कोई संख्या है जो दोनों को एक दूसरे को डिवाइड कर सके, कॉमन नंबर नहीं है। 8 यहां पर भाज्य संख्या है लेकिन हम इसको रिलेटिवली प्राइम कह सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, सीधा सीधा सरल शब्दों में सुनिएगा, कि ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर एक हो, उनका एससीएफ एक हो, उनका मासा एक हो, वो चाहे संख्याएं दोनों भाज्य हो चाहे दोनों अभाज्य हो, बस एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य हो। अब एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य होने का मतलब कोई एक कॉमन नंबर दोनों से ऐसा ना संबंधित हो जो दोनों को आके डिवाइड कर सके इनकी तरह, तो वही संख्याएं आपकी रिलेटिव प्राइम कहलाती हैं। ऐसे सभी जोड़े आपके रिलेटिव प्राइम कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप जितने भी इस तरह के जोड़े दिख सकते हैं उसको आप नोट कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा तो आपको सब चीजें स्पष्ट होंगी। जैसे मैंने आपसे कहा 5 और 8 है, 7 और 13 है, 15 और 17 है, सोचिए 5 8 8 भाज्य है, 7 13 चलिए दोनों अभाज्य हैं, 15 17 यहां 15 भाज्य है 17 भाज्य है, लेकिन सबके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है जो दोनों को विभाजित कर सकता है, इसके अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं है। मतलब अगर दोनों को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो अभिन्न का एक सरलतम रूप होगा। इन संख्याओं को, इन जोड़ों को हम रिलेटिव प्राइम कहते हैं। दूसरी बात आई सहअभाज्य की। सहअभाज्य की डिफिनीशन दी जाती है एक ऐसा पेयर संख्याओं का, एक ऐसा जोड़ा संख्याओं का, जो एक ऐसा जोड़ा जो कि अभाज्य हो, ध्यान से सुनिएगा, जो कि अभाज्य संख्याओं का हो, अभाज्य संख्याओं का हो, और साथ साथ इसने भी कहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, उभयनिष्ठ जो गुणनखंड हो वो एक ही हो, खंड एक हो, वह संख्या आपकी को प्राइम अर्थात सह अभाज्य संख्या कहलाती है। डिफिनीशन किताबों में ऐसे लिखी है कि दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका कॉमन फैक्टर अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है वह सह अभाज्य कहलाता है। तो मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूं किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं को आप लेंगे उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही रहेगा, अर्थात कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा सह अभाज्य संख्या जरूर कहलाएगा। 3 5 ले लीजिए, 5 13 ले लीजिए, 17 19 ले लीजिए, 7 17 ले लीजिए, 13 23 ले लीजिए, इस तरह के कोई भी आप जोड़े ले लीजिए जो अभाज्य हैं तो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड तो एक ही है,
कॉमन फैक्टर एक ही है, तो कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा हमेशा सह अभाज्य कहलाएगा। कंडीशन ये है कि दोनों संख्याएं अभाज्य हों, वह सह अभाज्य हो गई। तीसरी बात हम लोग करते हैं और अंतिम इनका जुड़वा, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम को समझिए, अब इसने कहा कि ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर, जिनका जो अंतर हो, ध्यान से सुनिएगा, अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर दो का हो, दो हो, वह आपका जुड़वा अभाज्य कहलाता है। यहां पर संख्याएं पहली चीज अभाज्य हो, साथ साथ उनका अंतर क्या हो, दो का हो। जैसे तीन और पांच है, पांच और सात है, ग्यारह और तेरह है। अब देखिए दोनों अभाज्य हैं, साथ साथ डिफरेंस कितना है, दो दो का है प्रत्येक में। सत्रह उन्नीस है, इकतालीस तिरालीस है, ये सब संख्याएं देखिएगा तो आपको अभाज्य नजर आएंगी और सभी के बीच अंतर कितने का आएगा, दो का आएगा। तो तीन डेफिनेशन हमने समझी, एक ऐसा जोड़ा जो कोई सापेक्षित अभाज्य हो, मतलब वो दोनों अपने सरलतम रूप में हो, फर्दर कोई कॉमन फैक्टर उनको सिंप्लीफाई ना कर सके, वो चाहे दोनों अभाज्य हो चाहे ना हो, लेकिन एक दूसरे के सापेक्ष जरूर अभाज्य हो। सह अभाज्य, सह अभाज्य में मैंने बताया कि दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा सह अभाज्य कहलाएगा। बस डिफिनीशन में तो यह भी बताया जाता है कि उनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर एक का ही हो, तो हम तो 100% श्योर है कि कोई भी दो अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्या ही कहलाएंगी। तीसरी बात, दो ऐसी सह अभाज्य संख्याएं, या ऐसे कह सकते हैं दो ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच का अंतर दो का हो, वो आपका क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। अब इन तीनों को थोड़ा और समझने की कोशिश करिएगा, इनसे संबंधित बातों को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा रिलेटिव प्राइम, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, रिलेटिव प्राइम सापेक्षित, हम इसकी बात कर रहे हैं, सापेक्षित अभाज्य, सापेक्षित अभाज्य। को प्राइम, इसको आप कहेंगे सह अभाज्य, सह अभाज्य। अगला देखिए ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम, इसको हम लोग कहेंगे जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अगर कोई एक जोड़ा जुड़वा अभाज्य संख्याओं का है तो 100% वो को प्राइम भी होगा, मतलब वो सह अभाज्य भी होगा। ध्यान से सुनिएगा, सभी जुड़वा अभाज्य संख्याओं का जोड़ा को प्राइम अर्थात सह अभाज्य भी होगा। यस, सभी जुड़वा अभाज्य संख्याओं का जोड़ा रिलेटिव प्राइम भी होगा। यस, जो उनकी डिमांड है ये पूरी कर देगा, बल्कि इनकी डिमांड वो लोग नहीं पूरी कर पाएंगे। इनकी डिमांड क्या थी, ट्विन प्राइम की। पहली चीज तो दोनों अभाज्य हो, दोनों के बीच कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड एक का हो, साथ साथ दोनों का अंतर दो का हो। तो अंतर भी दो है, दोनों अभाज्य हैं, कॉमन फैक्टर एक का है, तो को प्राइम भी है रिलेटिव प्राइम भी है। अब दूसरी बात देखिए, को प्राइम की बात करिए, जो सह अभाज्य है वो पहली चीज अभाज्य है, इतना ही होते ये हो गया कि दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड एक का होगा। तो वो संख्याएं सबकी सब रिलेटिव तो हैं, क्योंकि रिलेटिव की डिमांड वो पूरी कर दे रहा है, बट रिलेटिव उनकी पूरी डिमांड नहीं कर पाएगा। अब समझिए, अब बात अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ करूं, तो अगर बात मैं सह अभाज्य की करूंगा तो सभी सह अभाज्य जो होंगे वो, सभी जो सह अभाज्य होंगे, अगर हम सोचे कि ट्विन प्राइम है मतलब जुड़वा अभाज्य है, नहीं है, क्योंकि अभाज्य जैसे हमने कहा 13-17 लिया तो वो भी अभाज्य है, लेकिन उनका अंतर दो का नहीं है, वो सह अभाज्य तो हुए लेकिन वे ट्विन प्राइम अर्थात जुड़वा अभाज्य नहीं हुए। अब मैं बात करूं यहां पर कि क्या सभी जो है सापेक्षित अभाज्य सह अभाज्य हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि वो ऐसे भी हो सकते जो अभाज्य नहीं भी हैं, जैसे एक और पांच ले लिया था तो इसको भी आप नो कर दीजिए। तो क्या सभी रिलेटिव प्राइम ट्विन प्राइम होंगे, नहीं हो सकते, ये तो संभव ही नहीं हो सकता। तो आप जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे तो यस एक्सेप्टेड था, बट जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो यस एक्सेप्टेड नहीं है। जैसे सोचिए, मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर पांच और सात, ट्विन है यस, को प्राइम होगा यस, रिलेटिव प्राइम होगा यस। चलिए मैंने लिखा यहां पर सत्रह और तेईस, सह अभाज्य है यस, रिलेटिव होगा यस, क्या को प्राइम होगा और ट्विन प्राइम होगा, नहीं होगा। मैंने लिखा यहां पर एक और सात, रिलेटिव प्राइम है यस, क्या को प्राइम होगा, नहीं, क्या ट्विन प्राइम होगा, संभव ही नहीं।
इसको देखकर एक टेबल और बना लीजिए, यहीं से मैं लेक्चर आपका फाइनल कर दूं। देखिए मैंने लिखा रिलेटिव प्राइम आरपी से डिनोट कर रहे हैं, को प्राइम सीपी से डिनोट कर रहे हैं, पिन प्राइम टीपी से डिनोट कर रहे हैं। इनको देखिए और एक डिफिनीशन दिमाग में अपने फिक्स करिए, एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फिक्स करिए। मैंने यहां पर कुछ पेयर्स लिए और मैं यहां पर यस नो की बात आप लोगों से कराने जा रहा हूं। मैंने लिखा यहां पर 1 और 7, आप कहेंगे सर रिलेटिव होगा, बिल्कुल होना चाहिए। को प्राइम होगा, संभव ही नहीं है। पिन प्राइम होगा, बिल्कुल मत सोचिएगा, आगे बढ़िएगा। मैंने लिखा यहां पर 7 और 11, रिलेटिव होगा, बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि रिलेटिव की डेफिनेशन तो पूरी ही कर देगा। को प्राइम होगा, जरूर होगा क्योंकि दोनों अभाज्य हैं। पिन प्राइम होगा, नहीं हो सकता क्योंकि उनका अंतर 2 का नहीं है। लास्ट देखिए, अब मैंने एक ऐसा जोड़ा लिया, देखिए मैंने लिखा 17 और 19, सोचिए दोनों अभाज्य हैं, दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 का है, रिलेटिव होंगे, यस होंगे। को प्राइम होगा क्योंकि दोनों अभाज्य हैं तो जरूर होंगे। ट्विन प्राइम भी होंगे क्योंकि दोनों के बीच का अंतर 2 का है। तो आपने देखा जो ट्विन था वो को प्राइम भी था, रिलेटिव भी था। जो को प्राइम था केवल वो ट्विन नहीं था लेकिन रिलेटिव जरूर था। जो केवल रिलेटिव था वो ना तो को प्राइम था ना तो ट्विन प्राइम था। शब्दों को हिंदी में भी समझ के चलना, सापेक्षित, सह और जुड़वा अभाज्य। ए अभाज्य की कुछ जनरल डिटेल जानकारी थी जो मैंने आपको इस लेक्चर के माध्यम से देने की कोशिश की। संभवतः आज का लेक्चर भी आप सभी को समझ में आया होगा, सभी प्रोसेस को आपने अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा। हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि जो मैक्सिमम हो सके, जो बेस्ट हो सके, हम आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करते रहें। आज के इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूं। फिर से इसी तरह के लेक्चर्स और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं आपके सामने आपसे मिलता रहूंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।